इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। ये कहानी मेडिटेशन से है, यानी कि ध्यान से है। इस कहानी में हम आपको बताएंगे एक कहानी, यानी कि एक आदमी था जो मेडिटेशन पे, ध्यान पे बहुत ध्यान देता था। मतलब कि वह लोगों को बताता था कि किस तरह से ध्यान लगाना चाहिए, किस तरह से मेडिटेशन करना चाहिए, और साथ ही साथ में वो उसके लाभ भी बताया करता था। मेडिटेशन से ये होता है, ध्यान से वो होता है, ऐसा करना चाहिए, बहुत कुछ। और इतना ही नहीं, उसकी बहुत चर्चाएं हो रही थी वहां कि ये जो बंदा है वो बहुत अच्छा मेडिटेशन करता है, बहुत अच्छा ध्यान लगाता है। और एक टाइम आया जब इस बंदे ने क्या किया, किसको ध्यान करना था, और ये जंगल की ओर गया। क्योंकि जनरली हम लोग जानते हैं कि जो मेडिटेशन, जो ध्यान होता है, वो जंगल में यानी शांत वातावरण में बहुत अच्छा होता है। सो वो ध्यान लगाने के लिए जंगल की ओर गया और वो बैठ भी गया और जो अपना ध्यान है उसने लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाज सी सुनाई देती है। वो आवाज होती है एक वुमेन्स की, एक औरत की, और साथ ही साथ में हंसने की, खिलखिलाने की आवाज जो है सुनाई देती है। यानी वो जो लड़की थी वहां से गुजर रही थी, वो किसी से मिलने आई हुई थी, और वो इतनी मदमस्त थी, अपने में इतनी खुश थी, अपने में ही वो गुनगुना रही थी, अपने में ही वो गाने गा रही थी, उसे कुछ भी नहीं पता था, और वो चलती जा रही थी। उस युवक का जो ध्यान था, क्योंकि वो मग्न था, मेडिटेशन में लगा हुआ था, ध्यान में लगा हुआ था, और उसका डिस्टरबेंस भी हो रहा था कि जो वो लड़की वहां से गुजर गई, उसके बगल से उसकी आवाजें, उसकी पायलों की झनकार जो है उसके ध्यान को भग्न कर रही थी। आखिर उसने अपने ध्यान को, मेडिटेशन को वहीं पे रोका और उस लड़की को आवाज दिया। वो लड़की लौट के आई और उसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। लड़की ने कहा कि हमने ऐसा क्या किया। उसने कहा आपको पता था कि मैं यहाँ पे ध्यान लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो आपने डिस्टरबेंस क्यों किया, आप चुपचाप यहाँ से निकल जाती। लड़की ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने ये जवाब दिया कि आपको मैं सच बताऊं, मुझे खुद भी नहीं पता था कि आप यहाँ पे ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी अपने खास से मिलने आई हूँ, और जब मुझे पता चला कि वो मुझे इस जंगल में मिलने आ रहा है, तो मैं उससे मिलने की खबर से इतनी ही खुश हो गई थी कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि यहाँ कौन है, क्या है और क्या हो रहा है। मैं अपने ही एक अलग सी दुनिया में, अपने एक अलग से सपने में खो गई, और उससे मिलने के लिए मेरे जो कदम थे वो ऑटोमेटिक अपने आप आगे की ओर बढ़ने लगे, मेरे मुंह से आवाज निकलने लगी, मैं मतलब गुनगुनाने लगी, और मैं उससे मिलने के लिए चल पड़ी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं या ध्यान लगा रहे हैं, वरना मैं ऐसा ना करती। तभी लड़की ने एक सवाल उनसे पूछा, कहा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। तो उसने कहा बिल्कुल पूछिए। लड़की ने कहा आप बताइए, यदि आप यहाँ पे ध्यान लगा रहे थे तो आपका ध्यान क्यों भंग हुआ। क्योंकि ध्यान लगाने वालों का ध्यान कभी भी नहीं भटकता है। लड़का चुपचाप था, खामोश हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस कहानी का मोरल ये निकलता है कि यदि आपको अपने जीवन में कुछ करना है, कोई लक्ष्य निर्धारित है, उसको पाना है, आपको एक फोकस जो है उस पर रखना है, तो आपको उस काम को, उस लक्ष्य के पीछे भागने के लिए ध्यान लगाने की जरूरत है। ध्यान का मतलब है कि आपका पूरा फोकस जो है उस काम के पीछे होना चाहिए। आप यदि पढ़ रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, तो आपके अगल बगल से कौन गुजरता है, कौन सी आवाज खटपिट की होती है, वो मायने नहीं रखती है, क्योंकि उस वक्त आपका जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, वो आपके स्टडी पे है, उस पे फोकस है। ये होता है ध्यान। आपको पता है कि जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को निशाना लगाने के लिए कहा था, तो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को उस चिड़िया की आंख दिखी थी। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्य था उसका, उसका शरीर नहीं दिखा था, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंख दिखी थी, क्योंकि लक्ष्य उसका निशाना जो था वो आंख पे लगाना था। तो आपको भी लक्ष्य जो है, निशाना जो है, अपने कैरियर पे फोकस करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उस पे लगाना है। आपके अगल बगल में, आजू बाजू में आपके दोस्त लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जिंदगी बदल देने वाली कहानी। प्लीज वीडियो को लाइक करिए और साथ में शेयर भी करिए और कमेंट्स करके बताइए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।